हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, प्यार से जो मिला हम उसी के हो लिए। हेलो, माय नेम इज़ रोजलिन खान, आई एम 20 इयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं एक एक्टर, मॉडल, सिंगर और बॉक्सर हूँ। मैंने आर्मी ट्रेनिंग भी की हुई है। और रिलेशनशिप स्टेटस की बात की जाए तो मैं 100% सिंगल हूँ। और नेचर की बात की जाए तो मैं बहुत फ्री माइंडेड, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, हंसी मजाक करने वाली, खेल कूद करने वाली, एकदम चंचल मिजाज लड़की हूँ। लाइफ जर्नी, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, जब मैं छोटी थी यार, तभी से सच बताऊँ तो मुझे ये एक्टिंग, मॉडलिंग ये सब करना था, लेकिन फैमिली में अलाउ नहीं था। लेकिन जब मैं कॉलेज और स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता था तो मैं हर चीज़ में फ़र्स्ट आती थी। सिंगिंग में फ़र्स्ट, एक्टिंग में फ़र्स्ट, ड्रामा कंपटीशन, एवरीथिंग, हर चीज़ में फ़र्स्ट। तो पेरेंट्स को लगा यार कि नहीं, इसे नहीं रोकना चाहिए, इसे आगे बढ़ने देना चाहिए। ये अभी इतने सारे मेडल्स जीत रही है, ट्रॉफीज़ जीत रही है, आगे बहुत कुछ कर सकती है। मैंने एक साल में 503 ट्रॉफी और मेडल्स जीते हैं। और मैंने 2019 में महाराष्ट्र कॉलेज में कल्चरल चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का अवार्ड विन किया है। और मैं एक बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल सब जीतने लगी, आगे बढ़ने लगी। तो पेरेंट्स ने कहा, जा रोजलिन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और नेचर और हॉबीज़ की बात की जाए तो मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे खामोश रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। इन्जॉय करना, बोलना, हंसी मजाक, एकदम लाइफ को फन बना कर रखना। अभी तक आपने कितने बॉयज को डेट किया है? अरे मैं पैदाइशी सिंगल हूँ। वो बोलते एकदम साफ, एकदम प्यारी सी सिंगल सी बच्ची हूँ मैं। आज तक मैंने किसी को भी डेट नहीं किया है। What kind of boys are you attracted to? Why? आपका आइडियल पार्टनर कैसा होना चाहिए? मैं अट्रैक्ट ऐसे बॉयज से होती हूँ, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और वो लोग का ड्रेसिंग सेंस, बात करने का तरीका। और आइडियल पार्टनर की बात करें तो मुझे, मेरा आइडियल पार्टनर यार सबसे बड़ी बात लॉयल होना चाहिए, और दूसरा सपोर्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम इससे बात नहीं कर सकती, ऐसा ना बोले बेगम जाओ किचन में चाय बना कर ला। मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सपोर्टिव पार्टनर चाहिए जो मेरा हर चीज़ में साथ दे, बैकबोन बन के मेरा खड़ा, मतलब मेरे साथ खड़ा रहे। वो ये ना कहे कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। और सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे झेल ले वो, बस वो फिर है। मुझे झेलना आसान काम नहीं। एक तो बहुत बोलती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही। फैमिली मेम्बर्स परेशान हैं, फ्रेंड्स परेशान हैं। अगर वो मुझे झेल सकता है तो भाई मेरा लाइफ पार्टनर फिर बहुत सही है वो। Why did you break off your last relationship? आए, कभी बॉयफ्रेंड बना ही नहीं तो ब्रेकअप हुआ ही नहीं। What are the turn on and turn offs in a guy? टर्न ऑन एंड ऑफ, एक्चुअली ऑन, टर्न ऑन की बात की जाए तो लड़का इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं एक नंबर की डफर हूँ। अगर वो भी डफर रहा तो फिर ज़िंदगी दोनों की ख़राब है, दो डफर। वो इंटेलिजेंट हो और स्मार्ट हो और कैरिंग हो, ओवर कैरिंग भी नहीं होना चाहिए, कैरिंग पर्सन हो। और टर्न ऑफ की बात की जाए तो नेल्स बड़े बड़े नहीं रखने चाहिए, उसके नेल्स बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। और वो हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छा हाइजीन, सफाई पसंद इंसान हो तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, ऐसे करके खाने वाला तो मुंह खोल खोल के बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हो, एहतराम वाला लड़का हो, अच्छा हो, तमीज़दार हो। हाय, मेरी बातें ही काफ़ी है, एक मिनट में तो मुझसे शादी कर लेगा। What is the craziest or the wildest thing you have done in your life? अब तक तो मैंने मतलब ऐसी कोई craziest wildest things नहीं डन की है, लेकिन जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था तो मुझे उसे गिफ्ट करना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी सारी पॉकेट मनी खर्च हो चुकी थी। तो मैंने अपने भाई की नई टी शर्ट, नई जीन्स और न्यू वॉच पैक करवा कर उसे गिफ्ट कर दी। आज तक मेरा भाई ढूंढ रहा है कि मेरी ये जीन्स, टी शर्ट और वॉच गई तो गई कहाँ।
share your darkest and greatest naughtiest secrets of life. ऐसा कुछ भी नहीं है, यही जो एक ही सीक्रेट है यही है, और बाकी सब तो ऐसे छोटे मोटे ही सीक्रेट्स हैं. Have you ever dated more than one person at a time? नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला एक दे लेकिन एक दे, मैं एक में ही खुश हूँ, मुझे और लोगों को डेट नहीं करना है. Would you ever like to date multiple people at a time? No, nothing, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक साथ बहुत सारे लोगों को डेट नहीं कर सकती. मैंने कहा ना ऊपर वाला एक दे लेकिन एक दे. Thank you so much.